इस सवाल में दो बंदर हैं, बंदर ए और बंदर बी। देखिए बंदर ए का जो पूंछ है इसे पकड़ा हुआ है बंदर बी, और बंदर ए रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। दोनों का मासेस बताया गया 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। इसका मास है 5 किलोग्राम और इसका मास है 2 किलोग्राम। अब क्या है कि ये जो पूंछ है, ये पूंछ बंदर ए का पूंछ है, ये 30 न्यूटन इतना फोर्स टॉलरेट कर सकता है। मतलब इससे ज्यादा फोर्स से अगर पूंछ को खींचा जाए तो पूंछ टूट जाएगा। सवाल यह है कि ये जो बंदर है, बंदर ए, ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा रोप पे ताकि वो बंदर बी को इजीली कैरी कर सके। देखिए बंदर ए अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो होगा ये कि इस पूरे सिस्टम का, दो बंदर का जो सिस्टम है, इसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा। एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब कि इसे ज्यादा फोर्स से पुल करना होगा। ये जो बंदर ए है इसे बंदर बी को ज्यादा फोर्स से पुल करना होगा ज्यादा एक्सीलरेशन के लिए, और वो फोर्स प्रोपेगेटेड होगा इस पूंछ से। तो अगर वो फोर्स 30 न्यूटन से ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। यही सवाल है कि मैक्सिमम फोर्स वो कितना अप्लाई कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेना। मान ले कि एक ब्लॉक है, भारी सा ऑब्जेक्ट है, उसे आपने बांध दिया, रस्सी से आपने बांध दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, आप इसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। आप अगर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इसे तो देखेंगे ये रस्सी इसे ऊपर उठा सकेगा। अगर आप काफी तेजी से झटका देके इसे ऊपर उठा रहे हैं तो देखेंगे ये रस्सी जो है ये टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल होता है, उस केस में हम एक्सीलरेशन को जीरो मान सकते हैं। यहां पर इस ब्लॉक में नीचे की तरफ तो mg एक्ट करेगा, इसका मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन अगर जीरो होगा तो फिर ये रस्सी जिस फोर्स से इसे खींचेगा, इस ब्लॉक को खींचेगा, जो कि इस रस्सी पे टेंशन होगा, वो mg के बराबर होगा। लेकिन अगर आप झटका देते हैं, जिसका कि टेक्निकल मतलब है एक्सीलरेशन आप अप्लाई करते हैं काफी ज्यादा, सो एक्सीलरेशन मान ले यहां पर कुछ है एग्जिस्ट कर रहा, सो एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर यहां जो ये टेंशन होगा जिसे कि पिछले केस में होना था mg के बराबर, अब ये mg के बराबर नहीं होगा बल्कि mg प्लस ma होगा, क्योंकि ये तो इस फोर्स को कैंसिल करेगा। और इतना एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए एम मास के बॉडी पे, इतना एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए और एक्स्ट्रा इतना फोर्स चाहिए होगा जो कि इस रस्सी का टेंशन ही प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आप खींच रहे ऊपर की तरफ। सो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अब इतना होगा जो कि रस्सी पे टेंशन होगा। तो इस तरह से एक्सीलरेशन अगर बढ़ेगा तो ये टेंशन जो है ये भी बढ़ेगा। सेम सिचुएशन यहां भी है। देखे ये अगर बंदर, पहला वाला बंदर ए, अगर काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने का कोशिश करे तो पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन काफी ज्यादा होगा, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है यहां से जो फोर्स का प्रोपगेशन होगा, जिस फोर्स से ये पूंछ से अपने तरफ खींचेगा बंदर बी को, वो फोर्स बढ़ जाएगा। तो यही हमें पता लगाना है कि इतना एक्सीलरेशन हो ताकि ये जो पूंछ है वो न टूटे, दैट मीन कितना एक्सीलरेशन हो कि यहां पर ये जो टेंशन होगा पूंछ में ये 30 न्यूटन या उससे कम हो। देखिए सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, सवाल के एक पार्ट को हमने समझा है। सवाल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां कहा गया व्हाट फोर्स, कितना फोर्स, जो कितना फोर्स से बंदर ए बंदर बी को खींच सकता है। मैक्सिमम नहीं पूछा है, सिर्फ हमने इससे पहले जो बात किया वो मैक्सिमम फोर्स की बात है। मैक्सिमम फोर्स के कारण यहां पर मैक्सिमम टेंशन क्रिएट होगा, सो वो मैक्सिमम फोर्स की बात है। यहां मिनिमम फोर्स को भी हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि व्हाट फोर्स मतलब किस रेंज का फोर्स वो लगा सकता है। तो मिनिमम फोर्स वो कितना लगाएगा, वैसे तो मिनिमम फोर्स जीरो होना चाहिए। कोई बंदर एक रोप पे मिनिमम कितना फोर्स लगा सकता है, जीरो। लेकिन नहीं, यहां पर जीरो आप नहीं कह सकते, क्योंकि सवाल में ये क्लियरली लिखा हुआ। थोड़ा पीछे चले जाए, यहां पर देखे इन दो बंदरों को ऊपर की तरफ चढ़ना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये बंदर रस्सी को छोड़ दे, जीरो फोर्स अप्लाई करे और नीचे गिर जाए, नहीं, इसे ऊपर चढ़ना ही है। तो दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन जो मैक्सिमम फोर्स हमें बताएगा,
एफ मैक्स बताएगा। ये कौन सा सिचुएशन है कि टेंशन जो है, ये जो पूंछ में टेंशन जो है, ये टेंशन बराबर हो 30 न्यूटन के, क्योंकि हम मैक्सिमम फोर्स पता कर रहे हैं। और मिनिमम फोर्स हम कैसे पता लगाएंगे, ये मिनिमम फोर्स जो बंदर अप्लाई करेगा, बंदर ए इस पे रोप पे, तो उसके लिए जो कंडीशन होगा वो कंडीशन होगा इसे ऊपर की तरफ चढ़ना है, मतलब फोर्स तो लगाएगा ये बंदर रस्सी पे और ऊपर भी चढ़ेगा, लेकिन वो फोर्स मिनिमम होगा। इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा, एफ मिनिमम पता करने के लिए जो एक्सीलरेशन होगा उसे कम से कम होना होगा, तब जाके फोर्स भी कम से कम होगा। लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ नहीं हो सकता क्योंकि इसे ऊपर चढ़ना है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो एक्सीलरेशन होगा इस सिस्टम का, ये एक्सीलरेशन जीरो होगा, ये जीरो एक्सीलरेशन से बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो जो फोर्स अप्लाई करना होगा इस बंदर को, वो फोर्स सिर्फ इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल पुल को कैंसिल करने के लिए ही लगाना होगा। तो ये कंडीशन जो है ये हमें मैक्सिमम फोर्स बताएगा बंदर जो लगाएगा, और ये कंडीशन जो है ये हमें मिनिमम फोर्स बताएगा कि एक्सीलरेशन जो है सिस्टम का वो जीरो हो जाए। तो जो एफ मैक्स है उसे पता करने के लिए, जो टेंशन 30 न्यूटन है, इससे हम इस सिस्टम का एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये मैक्सिमम टेंशन हुआ पूंछ का, तो इस वाले केस में टेंशन 30 न्यूटन का क्रिएट हुआ, मान ले मैक्सिमम टेंशन जो है वो क्रिएट हुआ। सो टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन, सो इतना टेंशन क्रिएट हुआ। ये टेंशन क्या करेगा, ये टेंशन इस बंदर को पुल करेगा, बंदर बी को। अब बंदर बी का जो मास है वो कितना है, सो बंदर बी का जो मास है वो बराबर है, इसे M2 मान लेते हैं, ये बराबर है 2 किलोग्राम का। सो 2 किलोग्राम का मास है बंदर बी का, और साथ ही साथ एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा इस बंदर पे। सो ये बंदर जो है ये नीचे की तरफ एक फोर्स फील करेगा जो कि M2G के बराबर होगा, ये तो हमें पता है। तो फिर यहां से देखे कि अगर इस सिस्टम में अभी एक्सीलरेशन ए होता है, दोनों का एक्सीलरेशन ए होता है, इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन ए है, तो सिर्फ बंदर बी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक टेंशन ऊपर, या फिर कहें एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, और एक एक्सीलरेशन इस पे क्रिएट हुआ है। तो यहां से हम एक्सीलरेशन पता लगा सकते हैं, कैसे, कि एक्सीलरेशन तो ऊपर की तरफ होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम पता लगाना है। सो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो ऊपर की तरफ फोर्स, नेट फोर्स, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा ऊपर की तरफ लगा हुआ फोर्स टेंशन माइनस नीचे की तरफ लगा हुआ फोर्स एम टू जी, जो कि बराबर होगा किसके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां मास एम टू, एक्सेलरेशन ए, यही ए हमें पता लगाना है। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी डिवाइडेड बाय एम टू। तो फिर यहां अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं, जो टेंशन यहां पर है 30 न्यूटन का, सो 30 न्यूटन माइनस एम टू जी, एम टू 2 किलोग्राम का और G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड हमें कंसीडर करना है, सो 20 न्यूटन हो जाएगा, यह 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 और यूनिट न्यूटन होगा इसका, डिवाइडेड बाय एम टू जो कि है 2 किलोग्राम का। इवेल्युएट करें आप पाएंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा इसका वैल्यू। देखिए यहां पर 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो यहां पर एक्सीलरेशन को होना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। किस केस में, जिस केस में कि फोर्स मैक्सिमम हो, क्योंकि टेंशन जो है इसे मैक्सिमम हमने कंसीडर किया, टेंशन को मैक्सिमम होना है, 30 न्यूटन होना है। तो इस केस में जब यह बंदर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा, उस केस में एक्सीलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड पूरा सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि जो फोर्स ये अभी अप्लाई करेगा बंदर, केस वन में जो मैक्सिमम फोर्स होगा, चलिए ये एफ मैक्स जो है, मैक्सिमम फोर्स जो है ये जो अप्लाई करेगा, इसी के कारण ये रोप जो है इसे ऊपर की तरफ सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ खींचेगा एफ मैक्स। इसे कितना होना है, इसे इतना होना है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस एक्सीलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ सके।
तो फिर यहां से हम इन दो बंदरों को एक सिस्टम या एक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं तो देखिए ये इन दोनों का मिलाजुला मास जो कि बराबर है m1 प्लस m2 और इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है एफ मैक्स और नीचे की तरफ एक फोर्स इस पे एक्ट करेगा कितना m1 प्लस m2 इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कारण इस बॉडी पे इतना एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ ए एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। तो यहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो कि है एफ मैक्स माइनस m1 प्लस m2 जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास इसका है m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन है ए। यहां से आप वैल्यूज पुट करें तो आपको एफ मैक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। सो एफ मैक्स आप कह सकते हैं कि ये बराबर होगा m1 प्लस m2 इंटू ए प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहां से आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं m1 प्लस m2 को कॉमन आउट कर सकते हैं। सो यहां पर a प्लस जी वैल्यूज पुट करके देख ले। सो यहां m1 प्लस m2 आपको मिलेगा ये बराबर होगा 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम सो 5 प्लस 2 7 इतना किलोग्राम इंटू ए प्लस जी। ए का देखे वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो यूनिट को मल्टीप्लाई करें यहां से किलोग्राम और यहां से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप पाएंगे ये बराबर होगा न्यूटन के। तो जो मैक्सिमम फोर्स है ये किसके बराबर हो गया देखें ये हो गया 105 न्यूटन के बराबर। अब मिनिमम वाले केस में आते हैं मिनिमम फोर्स ये बंदर कितना अप्लाई कर सकता है। सो मिनिमम वाले फोर्स के लिए एक्सीलरेशन को ये जीरो होना है ये तो फर्स्ट केस के लिए था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो एक्सीलरेशन को जीरो होना है। अब ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ये मिनिमम फोर्स होगा तो अब ये एफ मैक्स नहीं होगा बल्कि एफ मिन होगा इस केस में जो अभी हम पता लगा रहे हैं। सो रस्सी अब एफ मिन फोर्स अप्लाई करेगा जिससे कि एक्सीलरेशन अब जीरो होगा। तो पिछले केस की तरह दोनों बंदर को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो जैसे ही दो बंदरों को एक सिस्टम मान लिया गया तो ये मान ले वो सिस्टम है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स एफ मिन एक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स m1 प्लस m2 इंटू जी एक्ट कर रहा है और इस पे जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन जीरो है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f min माइनस m1 प्लस m2 जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पूरा सिस्टम का मास m1 प्लस m2 सो मास इंटू एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ए जो कि जीरो है इस केस में। सो मुझे यहां पर ए नहीं बल्कि चलिए मैं कहता हूं इसे ए डैश क्योंकि ए तो हमने मान लिया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां ए डैश जो कि जीरो के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ मिन जो है ये बराबर होगा ये तो जीरो हो गया सो ये बराबर होगा m1 प्लस m2 इंटू जी के। तो यहां से देखें ये होगा m1 प्लस m2 7 किलोग्राम इंटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मानना है तो ये हो गया 70 न्यूटन। तो ये हमें मिल गया रेंज। इस रेंज में ये बंदर ए फोर्स लगा सकता है ताकि ये दोनों ऊपर की तरफ चढ़े और साथ ही साथ इसका पूंछ ना टूटे। इससे ज्यादा हो जाएगा फोर्स 105 न्यूटन से ज्यादा तो पूंछ टूट जाएगा 70 न्यूटन से कम हो जाएगा तो फिर बंदर ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएंगे ये दोनों नीचे की तरफ मूव करेंगे। सो ये हो गया रेंज रिक्वायर्ड रेंज। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे के वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।